नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, तो वहीं फिरोजाबाद में सपा अध्यक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि सपा का गढ़ कहे जाने वाले फिरोजाबाद जिले में विधानसभा चुनाव के पूर्व राजनीति सरगर्मियाँ बहुत तेज हो चुकी हैं, जिससे सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की समाधि में विधायक हरिओम यादव के बीजेपी जाने के बाद से सिकोहाबाद विधानसभा सीट से पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश वर्मा ने रविवार को लखनऊ में बीजेपी कार्यालय पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जिसमें निषाद वोट में बैंक ने पकड़ अच्छी मानी जाती है। आपको बता दें कि निषाद पार्टी के वोट बैंक की वहाँ बहुत ही अच्छी पकड़ मानी जाती है। मैं लगातार 5 वर्ष से समाजवादी पार्टी में रहा और मैंने पूरा संघर्ष किया, लोगों में आना जाना, दुख सुख में, और समाजवादी पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया, जिसमें अक्षय यादव जी ने सबसे ज़्यादा मेरे साथ धोखा किया है। उन्होंने पैसा लेकर के यहाँ टिकट वितरण करने का काम कर रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी की पूरी छवि को इन्होंने सारा धूमिल कर दिया, और इस कारण बाबा योगी जी के, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, क्योंकि उनके जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, बहुत साफ सुथरा माफियाओं को यहाँ प्रदेश से बाहर करना और जेल में पहुँचाना, और सबसे ज़्यादा उन्होंने जो गरीब लोगों के लिए, जैसे कोरोना काल में जो उन्होंने खाने की व्यवस्था और तमाम ऐसी योजना लाकर, सबसे वैक्सीन मतलब लगवा कर फ्री, और सबसे ज़्यादा एक और पुनीत काम किया, जो जिन पर छत नहीं थी रहने के लिए, जो छत देने का काम किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, ये बहुत ही ऐसे सराहनीय कार्य को देखते हुए, और मैंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी सदस्यता ग्रहण की है, और मैं यहाँ की सुकाबाद की जनता मेरे साथ पहले भी थी और आज भी है, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 5 सीटें जीतकर और हमारे योगी आदित्यनाथ जी को फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। जो लोग भी रह गए हैं, जिन गरीबों को और आवश्यकता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा काम उनके साथ किया जाए। यूपी के शामली में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई। आपको बता दें कि शामली विधानसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने एक सभा बुलाई गई थी, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते दिखे हुए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा नेता सुधीर प्रवाह के नेतृत्व में यह सभा बुलाई गई थी, जहां सभा में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए दिखाई दिए, तो वहां किसी के मुंह पर मास्क नजर नहीं आया। यहाँ पे शामली ज़िले में जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उन्हें जिताने की एक रणनीति बनाई जा रही, जिसमें जो 3 विधानसभा है उसके लिए अलग अलग कमेटियों का गठन होगा, और उसमें कोशिश की जाएगी कि सब लोगों को चुनाव प्रचार में और चुनाव जितवाने में जो कोविड के नियम हैं, सरकार के नियम हैं, उनका ध्यान रखते हुए एक जिताने के प्रयास किए जाए। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां श्रीकांत शर्मा का नामांकन पत्र दाखिल किया गया है, तो वहीं आपको बता दें कि विपक्ष पर जमकर बरसे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, जिससे पहले चरण में होने वाला चुनाव 10 फरवरी को होगा, इसे लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो वहीं पहले चरण में मथुरा जिले में शामिल हैं, जहाँ सभी पार्टियों के उम्मीदवार एक एक कर अपना नामांकन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और मथुरा वृंदावन से बीजेपी के प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया,
जिसके बाद उन्होंने मथुरा वृंदावन और ब्रज का विकास को चौमुखी बताया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। खबर पीलीभीत से है, जहां चुनावी प्रचार को लेकर पुलिस मुस्तैद दिखाई दी तो वहीं प्रशासन भी अलर्ट नजर आया। आपको बता दें कि पीलीभीत पुलिस अधीक्षक ने दिनेश कुमार के अफगानी विधानसभा चुनाव 2022 को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा और इंतजाम को लेकर मैरी स्कूल अमरिया का निरीक्षण किया गया, जिसमें CAPF SAP आदि जवानों के साथ ठहरने की व्यवस्था की गई, जिसमें पुलिस अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान स्कूल में उपलब्ध संसाधनों और क्लासों की स्थिति का जायजा लिया और स्कूल से संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। कानपुर मंडी में लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए तो वहीं किसी ने भी अपने ऊपर मुंह के ऊपर मास्क नहीं लगाया हुआ था। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन लोग इससे बेखौफ नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला कानपुर के विजयनगर सब्जी मंडी का है, जहां लोग मंडी में नाइट कर्फ्यू और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए। आपको बता दें कि विजयनगर सब्जी मंडी काफ़ी टाइम से गलत जगहों पर लगती आ रही है, जिसको लेकर जनता ने कई बार काकदेव में शिकायत भी की। मंडी के लोगों को दुकान लगाने से मना करने पर अपशब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन शिकायत पाने के बाद भी काकादेव पुलिस कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है। देखिए, परेशानियां ये हैं कि यहाँ पर कोरोना काल से 24 घंटे सब्जी मंडी लगती है और रात में भी आवाजें होती हैं, गाड़ियां आती हैं, हम लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है क्योंकि इस समय हमारी वृद्धावस्था है। बच्चे यहाँ, ये सब हमारे मोहल्ले के पढ़ने वाले बच्चे हैं जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे। क्या पुलिस से शिकायत की थी आपने? नहीं, हमने तो किसी से शिकायत नहीं की है। हम आपको ये बता रहे हैं, हम सब्जी मंडी वालों को ही समझाते थे, बहुतों ने हमारी बात मानी भी है, लेकिन सब्जियां तो आ रही है और ढुलाई हो रही है। कल रात में क्या बात हुई थी? अब कल रात में तो बात इनसे हुई है। किनसे बात हुई है? कल दिन भर यहाँ पे सामने एक जो थी लड़की, उससे बात हुई है और आज वो गाली दे के गई है किसी से, बहुत बड़ी गालियां दी हैं। ये आपको बता रहे हैं। कल दिन में सिर्फ इतनी बात हुई थी कि आप जमीन पे फैला के मत लगाओ, आप ठेले पे लगा लो, हम लोग मना भी नहीं करते कि मत लगाओ, लेकिन गंदगी तो नहीं बर्दाश्त होगी ना। बस उस चक्कर में वो किसी औरत को लेके आई, वो माँ बहन की गाली जाने कहाँ गई। उसने अभी बहुत गाली दी है, बहुत इतनी बुरी गाली की, बताने लायक गाली नहीं। वीडियो खबर और ऐसे है, जहाँ पुलिस क्राइम को रोकने में नाकाम नजर आई तो वहीं एक शव मिलने पर लोगों ने हड़कंप मच गया। एक और शव मिलने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कोतवाली बिदुना क्षेत्र के नवीन बस्ती में एक इंटर कॉलेज के प्रबंधक और उनकी पत्नी का शव के बाद एक और युवक का शव मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस युवक की हत्या दोहरे हत्याकांड के घटनास्थल से लगभग 30 मीटर की दूरी पर हुई, जिसमें युवक का शव एक खंडर में मिला है, तो वहीं तीसरा शव मिलने से बिदुना पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिदुना पुलिस क्राइम रोकने में नाकाम साबित हो रही है। कानपुर में तापमान में तेजी से गिरावट देखी जा रही है तो वहीं 18 से 22 सेल्सियस रह सकता है तापमान। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने DM को दिए समीक्षा आदेश में कानपुर और पड़ोसी जिले का औसत तापमान 18 से 22 डिग्री के बीच पहुंच गया, जिसके बारे में मौसम विभाग ने कुछ दिनों तक हल्की बारिश होने की संभावना जताई है, जिसको देखते हुए यूपी सरकार ने सभी DM और अभियुक्ताओं को अब इसकी समीक्षा करने और इसको आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। DM कानपुर नगर ने आयुक्त को बताया कि अब तक कुल 6,500 कंबल जरूरतमंदों को बांटे जा चुके हैं, जिसके बाद जमीनी स्थिति की जांच करने और आवश्यक निवारक उपयोग के करने के लिए आयुक्त ने नगर निगम के आश्रय गृह का औचक निरीक्षण भी किया गया।
खबर शामली से है, जहां बीजेपी नेता का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा बीजेपी नेता का विरोध किया गया, तो वहीं आरएलडी कार्यकर्ताओं ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। शामली विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी तेजेंद्र निर्वाल का गांव कुंडाना में जमकर विरोध हुआ। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी तेजेंद्र निर्वाल कुडाना गांव के जनसंपर्क करने गए थे, जिसमें आरएलडी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की जनसंपर्क के दौरान बीजेपी के मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबीस्टार न्यूज़। धन्यवाद।